प्यूबर्टी क्या होता है, इसमें ये बताना है कि प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें क्या होता है, चेंजेस क्रिएट होते हैं। किसमें चेंजेस क्रिएट होते हैं? गर्ल्स और बॉयज में प्यूबर्टी के समय चेंजेस क्रिएट होते हैं, जिसमें उनकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, अपना एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते। गर्ल्स या बॉयज जो है उस प्यूबर्टी स्टेज में क्या होते हैं, मैच्योरेशन क्रिएट होता है, उसे कहते हैं प्यूबर्टी। अगर क्वेश्चन में प्यूबर्टी एज पूछी गई कि गर्ल्स और बॉयज की प्यूबर्टी एज क्या होती है, तो बॉयज की होती है 13 to 14 ईयर और गर्ल्स की कितनी होती है, 10 to 12 ईयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी में पार्ट में पूछा गया, मेंशन टू फंक्शन ऑफ ईच, टेस्टिस और ओवरी का दो फंक्शन बताना है। सबसे पहला फंक्शन है टेस्टिस का कि ये स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और दूसरा फंक्शन ये है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन? टेस्टिस। सबसे पहला फंक्शन ये है कि टेस्टिस जो है स्पर्म के फॉर्मेशन में या बोले स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, दूसरा फंक्शन ये है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट ओवरी का फंक्शन क्या है, ओवरी ओवम के सिक्रीशन में हेल्प करती है और एस्ट्रोजन हार्मोन, और नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, ओवरी हेल्प करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। गेस्टेशन पीरियड एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें डेवलपमेंट होता है किसका, एम्ब्रियो का। मींस जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, इन इसी के बीच के पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ऐसे भी हम बोल सकते हैं दिस इज अ पीरियड इन विच डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मीन्स एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, मीन्स एम्ब्रियो जब तक फीटस में ना चेंज हो जाए, इन्हीं दोनों के बीच के गैप के पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आर टू टाइप, कौन कौन सा, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल नाम से पता चल रहा है, जब बॉडी के इनसाइड फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर मींस बेबी का डेवलपमेंट मदर की बॉडी पे हो रहा, मदर की बॉडी के अंदर हो रहा है, उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब बेबी का डेवलपमेंट बाहर होता है, मींस बाहर हो रहा है, मदर की बॉडी में नहीं हो रहा, उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर डेवलपमेंट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर डेवलपमेंट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन का, जैसे ह्यूमन बींग एंड बर्ड्स, और एक्सटर्नल का फ्रॉग, टोड, फिशेस एक्सेट्रा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज वेरी बेस्ट टेक्निक। सब मतलब ये बताना है कि पॉलिनेशन क्या होता है, और पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, और उन दोनों में से सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ पॉलन फ्रॉम स्टेमेन टू एंथर, मींस पॉलन का ट्रांसफर होना किससे, स्टेमेन से एंथर तक, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पॉलिनेशन सेम प्लांट में होगा उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट्स में होगा उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सा है पॉलिनेशन, मतलब सबसे बेस्ट पॉलिनेशन कौन सा है, सबसे बेस्ट पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन। अब पूछा है क्यों क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बेस्ट है, क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसमें दो अलग अलग प्लांट क्या करते हैं, दो अलग अलग प्लांट से जो है पॉलन का ट्रांसमिशन होता है। मीन्स जैसे सनफ्लावर से पॉलन आया, किस पे आया, रोज पे आया, तो सनफ्लावर से पॉलन आ रहा है, किस पे आ रहा है, रोज पे आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वेरिएशन क्रिएट होगा, मीन्स जो नई नई स्पीसीज बनेगी वो क्या होगी,
अलग होगी और स्पीसीज के कंपैरिजन में वो स्पीसीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो वेरिएशन क्रिएट हो रहा है, वेरिएशन क्या करेगा, इवोल्यूशन क्रिएट करेगा। वेरिएशन जो क्रिएट करेगा वही तो पॉलिनेशन सबसे बेस्ट है। तो सेल्फ पॉलिनेशन बेस्ट नहीं होता है, क्रॉस पॉलिनेशन सबसे बेस्ट टेक्निक होती। क्यों होती, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से पॉलिन का ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई मेंस्ट्रुएशन विल टेक प्लेस, मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। मेंस्ट्रुएशन इसलिए होता है मीन्स हर मंथ में एक ओवम सिक्रीट होता है। यही ओवम जब फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, मीन्स ओवम बोले या हम एग बोले, जो एक सिक्रीट हो रहा है फर्टिलाइज्ड नहीं होता तभी मेंस्ट्रुएशन होता। अगर ये ओवम जो सिक्रीट हो रहा ये फर्टिलाइज्ड हो गया तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। मीन्स जब तक ये जो एक सिक्रीट हो रहा ये फर्टिलाइज्ड नहीं होता, अनफर्टिलाइज्ड के केस में मेंस्ट्रुएशन होता है। बट अगर यही फर्टिलाइज्ड हो गया तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तब वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती। बट अगर पूछा गया व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, दैट इज एंडोमेट्रियम। मीन्स यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है जब वो ब्रेकडाउन होती है, टूटती है और ब्लीडिंग होती है, किससे, वजाइना से, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे बन सकता है कि व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे, जिस टेक्निक का यूज करके उस लेडी को बचा सकते हैं, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट होने से उस लेडी को बचा सकते, उसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। अब जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड होते हैं जैसे बैरियर, केमिकल, सर्जिकल, इन सबको एक्सप्लेन करने को दे दिया जा सकता है। और पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, तो बैक्टीरिया से होती है, दैट इज सिफिलिस एंड गोनोरिया। और ये भी पूछा कौन से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जो वायरस से होती हैं, कौन सा होता है, एड्स किससे होता, वायरस से होता है। और एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है जो मेल के लिए अवेलेबल नहीं होता है, दैट इज केमिकल। केमिकल मेथड सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए अवेलेबल होता है, मेल के लिए अवेलेबल नहीं होता है। और अगर ये पूछा गया ऐसी कौन सी टेक्निक है जो मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट टेक्निक है सर्जिकल मेथड, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। मेल के लिए जो होता है उसे क्या बोलते हैं, वैसिकोटॉमी। फीमेल के लिए जो अवेलेबल होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्यूबिकोटॉमी बोलते हैं। एक्सप्लेन करने को भी दे दिया जा सकता है ट्यूबिकोटॉमी, वैसिकोटॉमी। अब ये भी पूछा पॉलिनेशन क्या होता है, वो तो हमने स्टडी कर लिया पॉलिनेशन क्या होता है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बन रहा है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये क्वेश्चन है कि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्यों प्रेजेंट होता। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस है पूछे जाने के। क्यों प्रेजेंट होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और टेस्टिस को स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती, इसी वजह से वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं स्क्रोटम, टू मेंटेन द टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता। अब उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, उसको टेम्परेचर चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस। क्या करने के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस को 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बनेगा तो उससे यही क्वेश्चन बन सकता है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये तो क्वेश्चन हो गया। और ओवरी का फंक्शन पूछा जा सकता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब इम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से अटैच होता है उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। और किस तरीके, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बने, मीन्स जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है और उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और साथ साथ में जो अमीबा में होता है बाइनरी फिजन वो कैसे होता है उसका डायग्राम पूछा जाता है, मल्टीपल फिजन किस तरीके से प्लाज्मोडियम में होता है, किस कंडीशन में होता है ये पूछा जाता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है और स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, राइजोबस में होता है, और स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स क्या होते हैं, वो डिस्पर्स होते हैं एयर्स में,
और उसी स्पोर से क्या होता है, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल स्पायरोगेरा। और उसके बाद रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को लॉस कर देते हैं और उसे फिर से लॉस करने के बाद एग्जैक्ट बॉडी रिगेन कर लेते हैं, उसे कहते हैं रीजनरेशन। एग्जाम्पल रीजनरेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। और अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से कोई वेरिएशन नहीं होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है और इवोल्यूशन भी नहीं क्रिएट होता है एसेक्सुअल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, वेरिएशन क्रिएट करता है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी वेरिएशन नहीं क्रिएट करता। इस पूरे चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं सबसे। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है, और आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के जो तीन नाम दिए गए कटिंग ग्राफ्टिंग लेयरिंग इसका एग्जांपल पूछा आता है। टिश्यू कल्चर का क्या एडवांटेज होता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, डीएनए की कॉपी क्यों होती है रिप्रोडक्शन के समय, कॉपी इसलिए होती है ताकि वेरिएशन क्रिएट हो, वेरिएशन क्रिएट होगा तो इवोल्यूशन भी क्रिएट होगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।